हाँ जी दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी। सो प्यारे बच्चों, जैसा कि CBSE के लाखों कंपार्टमेंट वाले बच्चे या फिर जो बच्चों का RT आया है वो सभी बच्चे, या जो बच्चे को इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम देना या फिर इवन रीचेकिंग वाले बच्चे, सभी बच्चे पूछ रहे हैं कि सर हमारा फॉर्म कब आएगा, हमारा एग्ज़ाम कब होगा, हमारा रिजल्ट कब आएगा। तो प्यारे बच्चों, ये वीडियो में आपके लिए लेटेस्ट अपडेट लेकर आ चुका हूँ। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ एंड तक जरूर देखिएगा और हमारे एफर्ट के लिए एक लाइक एंड एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि एक लिंक जनरेट हो चुका है 2023 का, जो आपने एग्जाम दिया था उन सभी बच्चों के लिए एक लिंक को जनरेट कर दिया गया है। बट ये वाला लिंक अभी तक एक्टिवेट नहीं हुआ है, ठीक है। जनरेट हो चुका है बट अभी फंक्शनलिटी ऑन नहीं हुआ है, फ्रंट एंड हुआ है, बैक एंड नहीं हुआ है, ठीक है। मतलब क्या हो गया, मतलब ये देखिए, ये आपका कुछ इस तरीके से CBSE के वेबसाइट पे जैसे लिंक एक्टिवेट होगा आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा, जहां पर सबसे पहले आपको ऊपर में सर्कुलर दिखेगा कि डेट क्या है, वो सभी कुछ यहां पर बताया जाएगा। उसके बाद कोई बच्चे को कंपार्टमेंट के लिए अप्लाई करना है तो यहां से अप्लाई करेगा, जो बच्चे को इंप्रूवमेंट के लिए अप्लाई करना वो यहां से करेगा, जो बच्चा का पिछले बार एसेंशियल रिपीट आया था वो बच्चा यहां से अप्लाई करेगा, कोई बच्चे को एडिशनल सब्जेक्ट का पेपर देना है तो वो यहां से अप्लाई करेगा। तो ये सारा चीज़ फिर यहाँ से फी पेमेंट होगा, यहाँ से आप लोग अपना स्टेटस को चेक कर पाएगा। तो ये कुछ इस तरीके का आपका प्रोसेस रहेगा। देन यहाँ से आप लोग अपना कन्फर्मेशन पेज को डाउनलोड कर पाएगा, ओके। तो अब आपका ऑब्वियस क्वेश्चन कि सर ये क्या हमें खुद से अप्लाई करना पड़ेगा कि हमें स्कूल वाले हमारे अप्लाई करके देंगे, इसका डेट क्या होगा। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं कि अगर आप रेगुलर बच्चे यानी कि स्कूल जाते थे, आप वैसे बच्चे हैं, स्कूलिंग करने वाले बच्चे हैं, इवन 95% बच्चे स्कूलिंग वाले ही होते हैं, तो प्यारे बच्चों उस केस में यहाँ से आप लोग डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर पाएंगे। आपके स्कूल वाले आपको फ़ोन करेंगे या आपको एक दिन स्कूल में बुलाएंगे एंड आपको वहाँ पे जाके उनको बोलना पड़ेगा कि मुझे ये सब्जेक्ट का इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम या फिर कंपार्टमेंट एग्ज़ाम देना है, वो आपको बोलना पड़ेगा। देन स्कूल वाले आपसे एक फ़ीस चार्ज करेंगे जो CBSE आपको सर्कुलर में बता देगा कि कितना फ़ीस लगेगा पर सब्जेक्ट, देन वो आपको स्कूल वाले को देना होगा, बाकी सारा काम आपके स्कूल वाले कर देंगे, ओके। जो ये वाला पेज है ये बस प्राइवेट वाले बच्चे यानी जो नॉन स्कूलिंग वाले बच्चे हैं वही वाले बच्चे खुद से अप्लाई करेंगे, ये उनके लिए है। क्या बात क्लियर है? वेरी गुड। तो अब आपका ऑब्वियस क्वेश्चन कि सर हमारा ये सारा डेट कब आएगा कि कब अप्लाई करना है। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं कि हर हाल में फर्स्ट वीक ऑफ जून के अंदर आपका एक डिटेल सर्कुलर CBSE रिलीज करने जा रहा है। 5th of June तक या उससे पहले आपका रिलीज हो जाएगा, जहाँ पर सारा कुछ कितना अमाउंट लगेगा वो सारा कुछ आपको बता दिया जाएगा, ओके। क्लियर एंड कब से कब अप्लाई करना है वो सब आपको बता दिया जाएगा। अब मैं बात करूंगी सर क्या हमारा डेट शीट भी इसी टाइम आ जाएगा। चांसेस है प्यारे बच्चों कि आपका डेट शीट भी इसी टाइम रिलीज हो जाएगा, फर्स्ट वीक ऑफ जून के अंदर या फिर 10th of June तक हर हाल में आपका डेट शीट रिलीज हो जाएगा। फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में आपका एग्जाम एक्सपेक्टेड है, ओके। तो ध्यान रखिएगा, अगर मैं टेंटेटिव डेट शीट की बात करूं तो आप मान सकते हैं कि 6 जुलाई के आसपास आपका एग्जाम स्टार्ट होगा। ये टेंटेटिव डेट शीट है जिसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा था। और दिमाग में रखिएगा कि क्लास 12th वाले बच्चों का सारा सब्जेक्ट का पेपर एक ही दिन होता है, यानी साफ सा मतलब है कि कोई भी क्लास 12 का बच्चा 2 सब्जेक्ट का एग्जाम नहीं दे सकता है। हर एक क्लास 12 का बच्चा को ये अलाउड है कि वो एक ही सब्जेक्ट का एग्जाम दे पाएगा एंड क्लास 10th वाले बच्चे अप टू 2 सब्जेक्ट का एग्जाम दे सकते हैं। क्लियर है? वेरी गुड। तो दोस्तों, ये आपका टेंटेटिव डेट शीट है, आप चाहे तो देख सकते हैं। क्लास 10th वाले बच्चों का ये डेट शीट है, 6 जुलाई को मैथ्स टेंटेटिव है, फाइनल आपका नेक्स्ट 10 डेज के अंदर रिलीज होने वाला, ठीक है। 10th को साइंस, 11th को SST, ये आप देख सकते हैं। क्लियर है? वेरी गुड। तो दोस्तों, यही था हमारा आज का वीडियो। जैसे ही आपका फॉर्म आएगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा। मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या कैटेगरी है जिसमें आपको अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई
करना है वो आपको स्कूल के थ्रू अप्लाई करना है। अब जो बच्चों का रीचेकिंग के लिए अप्लाई किया है एंड उनका कंपार्टमेंट भी आया, तो यस प्यारे बच्चों, अगर आपका रीचेकिंग का रिजल्ट, जैसा कि थोड़ा लेट होगा कंपार्टमेंट के एग्जाम से पहले तो आपका रिजल्ट आ जाएगा, बट फॉर्म से पहले रिजल्ट नहीं आता रीचेकिंग का, तो उस केस में आप कंपार्टमेंट के लिए भी अप्लाई कर देंगे एज वेल एज रीचेकिंग, तो आपका साथ साथ चलता रहेगा। अगर सपोज रीचेकिंग में अगर आप पास हो जाते हैं तो उस केस में कंपार्टमेंट का जो आपने अप्लाई किया था वो ऑटोमेटिकली कैंसिल कर दिया जाएगा। क्लियर है? वेरी गुड। तो दोस्तों यही था हमारा आज का वीडियो, बाकी रीचेकिंग का रिजल्ट आप लोग वहाँ ऐप स्टेटस से चेक कर पाएगा, वहाँ से चेक करते रहिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।